जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य रेखा के द्वारा हथेली में बनने वाला त्रिकोण ही बृहत त्रिकोण कहते हैं। इस त्रिकोण के द्वारा तीन अलग अलग कोणों का निर्माण होता है। मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और स्वास्थ्य रेखा, ये त्रिकोण बनता है। कईयों का भाग्य रेखा बीच से इस तरह से जाने से भी ये त्रिकोण बनता है। ठीक है, प्रथम कोण जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा के द्वारा बनता है, उसे ऊपरी कोण कहते हैं, यानी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से बनने वाला ये वाला कोण। अगर यह कोण स्वच्छ एवं स्पष्ट है तो जातक उच्च और स्वच्छ विचारों वाला होता है। यदि यह कोण मंगल के क्षेत्र से संबंधित हो तो जातक नीच प्रवृत्ति वाला होगा। मंगल के कोण से संबंधित का मतलब हो जाता है कुछ ज्यादा ही यहाँ पर होगा, मतलब जीवन रेखा की शुरुआत और हृदय रेखा की शुरुआत अलग अलग यहाँ पर रहे और एकदम स्टार्टिंग यहाँ से कनेक्शन रखता हो, तो ऐसे इंसान का होता क्या है, नीच प्रवृत्ति कहते हैं। नीच प्रवृत्ति का अर्थ ये होता है कि थोड़े से, दे आर वेरी सेल्फिश, मतलब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जमता। ऐसा अगर एकदम मंगल पर्वत के स्टार्टिंग में एकदम यहां पर बनता हो तो ये इफेक्ट आएगा। द्वितीय कोण रेखा के मस्तिष्क रेखा के द्वारा बनता है, इससे कोण, इस कोण को जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में, यहाँ पर गलत, थोड़ा प्रिंट, इसका प्रिंटिंग गलत है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य रेखा के बीच में ये वाला कोण, अगर यह कोण 60 अंश यानी 60 डिग्री से अधिक अथवा 90 अंश का हो तो जातक की आयु, स्वास्थ्य और विवेक उत्तम अवस्था में होंगे। ये 90 डिग्री में रहे या 60 या 90 के बीच में रहे तो ये सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। यदि यह 60 अंश 60 डिग्री से कम का हो तो जातक को जीवन में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ेगा। अगर ऐसे व्यक्ति पर मस्तिष्क रेखा भी काफी ढलवा हो जाए तो जातक आलसी प्रवृत्ति का होगा, यानी ढलवा का मतलब डाउनवर्ड, इस तरह से झुका हुआ ज्यादा रहे। हालांकि ये 60 नॉर्मली आप देखेंगे तो ये 60-90 के बीच में ही मिलेगा जिनके भी हाथ में देखेंगे। ठीक है, अगर उससे कम होगा, कम होने का अर्थ ये हो जाता है कि इसका झुकाव ज्यादा इस तरह से आए, मस्तिष्क रेखा का झुकाव, जैसे लोग थोड़े आलसी होंगे और कल्पना में जीने वाले लोग होंगे। तीसरा कोण होता है जीवन रेखा और स्वास्थ्य रेखा के द्वारा बनता है, यह कोण को निचला कोण कहते हैं। अमूमन यह कोण हाथ में कम ही पाया जाता है, इस कोण का हाथ में न बनना ही बेहतर होता है। यदि यह कोण खुला हुआ हो तो जातक का स्वास्थ्य उत्तम होता है। ये वाला कोण खुला नहीं होना चाहिए, अगर ये खुला हो ही गया तो फिर का तो कोण के बनने का कोई फायदा नहीं हुआ। एक्चुअली ये जितना कनेक्टेड रहेगा जीवन रेखा से शुरू होकर इस तरह से जाएगा, ये वाला निचला वाला कोण, ये कोण जो है हेल्थ को भी दिखाता है और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर उस टाइम पे ग्रोथ को भी दिखाता है, फाइनेंशियल ग्रोथ को भी दिखाता है, क्योंकि उसकी शुरुआत जीवन रेखा से होकर बुध रेखा की ओर जा रही है। तो ऐसे समय में व्यक्ति को अपनी बुद्धि, बौद्धिक क्षमता से कुछ ना कुछ अचानक से एक फटका इनकम, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट से पैसा हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पैसा हो, कहीं से भी, लॉटरी, जुआ, सट्टा, कहीं से भी पैसा आ सकता है, इसको भी इंडिकेट करता है। यदि इस बृहत त्रिकोण में कोई क्रॉस इत्यादि का अशुभ चिन्ह हो तो जातक के जीवन में कलेश और अशांति रहती है। अगर बीच में क्रॉस बन रहा है कहीं पर किसी दूसरी रेखा, इसकी वजह से यहां से इस तरह से क्रॉस बन जाए या दोनों के बीचों बीच इस तरह से क्रॉस बन जाए, रेखा काट रही है, तो ऐसी अवस्था में अशांति होता है। अशांति मतलब कि पर्टिकुलर इस टाइम पीरियड में ऐसे इंसान को इस भाग्य रेखा के ये जो टाइम पीरियड है सॉरी, वहां पर उसको सफलता मिलेगी। जैसे ये टाइम पीरियड खत्म होगा, ये त्रिकोण का इफेक्ट खत्म, उसका जो भी इसने कमाया होगा वो उसका लॉस में चला जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा। कट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए त्रिकोण। ठीक है।
इसके बाद मोटी रेखा पतली रेखाएं, ये जस्ट ये इसका कोई मतलब वो नहीं है, इसको आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसका जो है पर्टिकुलरली वो नहीं समझ में आएगा। इसको मैं अगर ऐसे रीडिंग पढ़ के भी दूं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। प्रभाव रेखाएं, सहायक रेखाएं क्या होती है? ये रेखाएं मुख्य रेखाओं के सहायक रेखाएं होती है, अर्थात मुख्य रेखाओं के प्रभाव में वृद्धि कर देती है। इस प्रकार की रेखाएं सदैव मुख्य रेखा का शुभत्व तो बढ़ाती है। कैसे कैसे सहायक रेखा आएंगी ऊपर की ओर? अगर जीवन रेखा, सॉरी क्या नाम है, भाग्य रेखा को कोई दूसरी चंद्र पर्वत से रेखा के इस तरह से कनेक्ट कर जाए, कनेक्ट करे, क्रॉस ना करे, क्रॉस करने से गड़बड़ हो जाएगा, सिर्फ कनेक्ट करे, टच हो, तो ये प्रभावी रेखाएं कहलाती हैं। ये जो है व्यक्ति को उस जीवन काल में, उस पर्टिकुलर पीरियड में ग्रोथ अचानक से बूस्टअप देती है, बूस्टर रेखाएं कह सकते हैं इसको। एक होती है बाधक रेखाएं, बाधक रेखाएं जस्ट क्रॉस कर जाती हैं, इनको बाधक रेखाएं कहते हैं। बड़ा सूट गया। बाधक रेखाएं सिंपली जो है ना, जो मुख्य रेखाओं को काट दे, जो छोटी रेखाएं आके मुख्य रेखाओं को इस तरह से काट देते यार, बाधक रेखाएं। खंडित रेखाएं, खंडित रेखाएं आप लोगों को दिखा चुका हूं कई बार, इस तरह से टूटते हुए आगे बढ़ने वाली रेखाएं, इसको खंडित रेखाएं कहते हैं। वर्ग युक्त रेखाएं, वर्ग युक्त रेखाएं मतलब वर्ग युक्त रेखाओं का एक विशेष फल होता है, जैसे ये जीवन रेखा है और ये साइड में मंगल की रेखा है, और इन दोनों को काट रही हो कोई इस तरह से रेखा है, तो क्या बन रहा है, बीच में वर्ग बन रहा है, तो ये वर्ग युक्त रेखाएं बन जाती है, मतलब जीवन रेखा भी और मंगल रेखा दोनों ही वर्ग युक्त रेखाएं हैं। पेज नंबर 288, सॉरी चित्र नंबर 288, 288 निकालिए आपके बुक में अगर है। पेज 288, थ्री हंड्रेड है, नहीं है 288 कोई पेज ही नहीं, 76 ऐसा कोई फिगर ही नहीं है, ये किताब में कुछ कुछ मिस प्रिंट ही है। शाखा युक्त रेखाएं, यदि किसी मुख्य अथवा गौण रेखा पर छोटी छोटी शाखाएं निकल रही हो तो यह रेखाएं शाखा युक्त रेखाएं कहलाती हैं। किसी भी रेखा में शाखा निकलने का अर्थ यह है कि प्रथम तो संबंधित रेखाएं की शक्ति का क्षय हो रहा, या दूसरा जो शाखा निकल रही है वो शाखा जिस अन्य पर्वत या रेखा पर जाएगी उस पर्वत या रेखा पर उस रेखा का प्रभाव प्रदान करेगी। अब इसको समझना जरूरी है, ये शाखा युक्त रेखाएं मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। अगर शाखा जीवन रेखा से निकल के ऊपर की ओर जाती है तो ये फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट को दिखाता है, ये जिस ओर जाएगी, जैसे ये शनि की ओर जा रही है स्ट्रेट, शनि पर्वत की ओर, तो ऐसे व्यक्ति को अपने कर्म स्थान में ग्रोथ मिलेगा। अगर बृहस्पति पर्वत की ओर जा रही है तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान स्थान में अपने उनका जो स्टडी है यानी एजुकेशन है वहां पर मिलेगा, ठीक है, यानी संबंधित पर्वतों से कनेक्शन दिखा रहा है। अगर सूर्य के पर्वत की ओर जा रही तो फेम देगा, सूर्य फेमस का, फेम होने का मतलब इंसान को फेम देता है। अगर बुध के पर्वत की ओर जा रही तो बिजनेस देगा, तो ये कनेक्शन बनाते हैं जो शाखा युक्त रेखाएं होती है। या फिर भाग्य रेखा से कोई शाखा निकल रही हो, सूर्य पर्वत की ओर जा रही हो, तो ये भी सूर्य पर्वत वाला फल देगी, ठीक है, इस तरह से शाखा युक्त कहा गया। इसके बाद आते हैं पुच्छल रेखाएं, यानी पूंछ जैसी,
किसी मुख्य रेखा या गौण रेखा के अंत में छोटी छोटी नीचे की ओर जाती रेखाएं हो तो यह स्थिति पुच्छल रेखा वाली स्थिति कहलाती है। इस प्रकार की रेखाएं हृदय रेखा में शुभ स्थिति प्रदान करती है, परंतु अन्य रेखाओं पर पुच्छल रेखाएं अशुभ फल देती हैं। सिर्फ एकमात्र हृदय रेखा में ही यह अच्छा माना जाता है। ये जिनके हाथ में होता है ऐसे लोग मिलनसार होते हैं। दे आर वेरी मतलब इजी टू कोप अप एनी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं। दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। लेकिन यही अगर गलती से जीवन रेखा के अंत में जाकर इस तरह की पुच्छल रेखाएं बन जाती हैं तो ये और भी जीवन रेखा को ह्रास यानी कि इनकी इनकी जो ऊर्जा है जीवनी शक्ति है उसमें कमी आने लग जाती है। व्यक्ति बीमार होने लग जाता है। ये दो ही जगह पर मेनली बनता है। मस्तिष्क रेखा पे कभी भी पुच्छल नहीं बनता। सर लाइफ लाइन यदि एंड होता है बाइफर्केट होके मतलब दो दो लाइन से एंड होता है तो उसमें तो, जगह से एंड हो रहा है जिस पॉइंट से वो दो भागों में स्प्लिट हो रहा है पर्टिकुलर उस टाइम के बाद से हेल्थ इश्यू स्टार्ट होता है। अच्छा, और जितना ज्यादा गैप होता जाता है उतना ज्यादा जो है हेल्थ से रिलेटेड डाउनफॉल आता है। जितना छोटा गैप रहेगा तो उतना जो है रिकवरी होने का चांस रहेगा। इसका और एक मीनिंग भी होता है कि जितना दूर डिस्टेंस होता है ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर मृत्यु होती है। हाँ राइट, एक ये भी इंटरप्रिटेशन है। राइट राइट, बिकॉज आपके साथ ऐसा ही कुछ है। हाँ, मेरा है ऐसा रेखा, इसलिए मैं मेरा लड़का अमेरिका में रहता है। हाँ। शायद बीमार होकर उधर जाऊंगा वहां जाके अमेरिका में जाकर अपना दाह संस्कार कराओ। यार क्या बात है। बिंदु युक्त रेखाएं, यदि किसी रेखा पर बिंदु या चिन्ह आ जाए तो रेखा को बिंदु युक्त रेखा कहते हैं। बिंदु चाहे किसी भी रंग का हो रेखा के लिए यह अशुभ फलदायक होता है। ये तो बिंदु के ऊपर पढ़ाई हुआ है। मोटी रेखाएं, इस प्रकार की रेखा होने पर यह अपने प्रभाव को कम कर देती है। मैं पहले ही बता चुका हूं अगर कोई भी मुख्य रेखा जरूरत से ज्यादा चौड़ी है इसका मतलब वो रेखा संघर्ष देगी, स्ट्रगल देगी। जंजीराकार रेखाएं, ये भी द्वीप जैसा बनता है, ये भी स्ट्रगल देती हैं। ये स्टक फील कराती है। मतलब आप ना अपने जीवन में कभी ग्रोथ करते हुए नहीं देखेंगे, हमेशा ऐसा लगेगा हम फंसे हुए और बहुत स्लो ग्रोथ होता है। जंजीरा युक्त रेखाएं, जाल युक्त रेखाएं, जालियां नेट जो बनती हैं बहुत सारी प्रॉपरली, अगर नेट की बात करें तो आप लोगों को शुक्र के पर्वत में सबसे ज्यादा नेट दिखेगा। ये 90% लोगों के हाथों में ऐसा दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो जाली युक्त वाला जब भी किसी के हाथ में दिखता है, एक यहाँ पर दिखेगा, एक कुछ हाथों में यहाँ पर भी चंद्र पर्वत में भी दिखता है, और दिखता है यहाँ पर सूर्य पर्वत में।